सुनिए सुनिए सुनिए, आज मैं आप लोगों को ऐसे जांबाज जादूगर से मिलवाने वाला हूँ जिसने अकेले अपने बहादुरी के बल पर एक खूंखार राक्षस का अंत किया। वो कोई और नहीं, मेरा दोस्त अलादीन है। अरे मुंह क्या देख रहे हो, तालियां बजाओ। इसी बात पे मिठाइयां। लेकिन तुम्हारे जादू से अच्छा तो हमारा जादू है, दिखाओ। अरे वाह। अलादीन, तुमने उस खतरनाक जानवर को मारकर कमाल कर दिया। वैसे उस जानवर को मारने के अलावा मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या? 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 रोशन हो मेरे जज्बात, तारों की जब हो बरसात। मुझे पता है नूरी कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैंने एक फैसला किया है। क्या? कि आज रात को मैं अपने दिल की बात उसे बता दूंगी। सच? नहीं तो जिंदगी भर उसके प्यार के इजहार के लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा। अभी ना। सब्र से काम लो सकी, जी भर के जीत का जश्न मना लो अलादीन, क्योंकि आज के बाद ना तो तुम्हें कोई जीत नसीब होगी और ना ही नसीब बदलने के लिए तुम्हारी जिंदगी रहेगी। मिल गया, लाल पत्थर मिल गया, लाल पत्थर मिल गया, मिल गया।
मिल गया, मिल गया। मैं अपने अलादीन को कैसे देख पाता? तुम्हारा नाम माकू नहीं डाकू होना चाहिए, डाकू। क्या हुआ? वो अलादीन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कैसी बात? वो यहाँ नहीं कह सकती। हम कहीं अकेले में चले? ठीक है, चलिए। ये शरबत जाकर अलादीन को पिला देना। ये क्या है उस्ताद? उसकी जीत के जश्न का आखिरी जाम, जिसे पीने के बाद अलादीन कल का सूरज नहीं देखेगा। सकी जी उस्ताद, इस बार भूल से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार कोई गलती नहीं होगी उस्ताद। जादूगर जाफर, दुनिया में जाफर से बड़ा जादूगर कोई नहीं है, और अगर कोई उससे बड़ा बनने का ख्वाब भी देखता है तो उसका हश्र बहुत बुरा होता है। ये बात मुझसे, यामा से, एक अधमरा जादूगर कह रहा है। तुम अपने दायरे में रहकर बात करो। दायरा तो तुमने पार किया है जाफर, बेहतर तो यही होगा कि तुम मेरे मामलों से दूर रहो। पुरजुमान के जादुई चिराग को हासिल करने का ख्याल भी अपने दिलो दिमाग से निकाल दो यामा, नहीं तो इस ख्याल की कीमत तुम्हें जाफर को अपनी जिंदगी देकर अदा करनी पड़ेगी। ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना खुश हो रही है? बस है कोई बात जिसका जवाब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जानती हूँ? हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। आप बताइए ना, आप कैसी बात? यहाँ? हाँ, यहाँ नहीं अलादीन, कहीं अकेले में चले? अकेले में? ठीक है, चलिए। कि बुर्जमान का जादुई चिराग जिसे पहले मिलेगा वो उसी का होगा।
और मेरे होते हुए तुम उस चिराग तक पहुंच भी नहीं पाओगे यामा। बच्चों वाले टोटके किसी और पर आजमाना यामा। जाफर में अभी भी इतनी ताकत बाकी है कि तुम जैसे छोटे मोटे जादूगरों को बहुत आसानी से अपने रास्ते से हटा दे। आइंदा से अलादीन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो बहुत पछताओगे। ज़फ़र, अलादीन, अलादीन, आप मेरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लीजिए। ज़फ़र, ज़फ़र, रुक जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ज़फ़र। रुक जाओ ज़फ़र, ज़फ़र, अलादीन, चाचा आप यहाँ? क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम किसे ढूंढ रहे हो और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आखिर बात क्या है? चाचा वो जादूगर ज़फ़र वो मदरसे में घुस आया है। क्या? हाँ चाचा, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। बेटा शांत हो जाओ। नहीं चाचा, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात तो सुनो अलादीन, यहाँ कोई नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ चाचा, उसने जैसे ही मेरी आवाज सुनी मुझसे भागने लगा। जाफर इस मदरसे में आने की हिम्मत कर ही नहीं सकता मेरे बच्चे, मेरा यकीन मानो। आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसे देखा है। तुमने जिसे देखा था वो तुम्हारा भ्रम था, तुम्हारी नजरों का धोखा। हाँ मेरे बच्चे, मेरा यकीन करो। शायद आप ठीक कहते हैं, मुझे हर तरफ वो शैतान ही दिखाई देता है। मैं समझ सकता हूँ मेरे बच्चे, मैं समझ सकता हूँ। चाचा, चाचा आप ठीक है ना? आप ठीक है? संभालिए अपने आप को, अब ठीक है ना? बेटा, मेरा शरीर धीरे धीरे गलने लगा है, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है मेरे बच्चे, इसलिए मैंने सोचा एक बार तुमसे जाकर मिलाओ। पता नहीं फिर कभी तुमसे मुलाकात होगी या नहीं। ऐसे मत कहिए चाचा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं सुबह होते ही वो चिराग लेने निकल जाऊंगा। अब बस थोड़ी देर और चाचा, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। ठीक है मेरे बच्चे, मैं सरताज से जाकर बात करता हूँ। तुम कल सुबह ही निकलने की तैयारी करो। कल सुबह ही चल मेरे बच्चे, अपना ध्यान रख लो। हाँ। शैतान तुम्हें मिला? आप फिक्र मत कीजिए शहजादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये सब बातें छोड़िए, कुछ देर पहले आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना, बताइए ना क्या कहना चाहती थी आप? वो
तुम्हें बताइए ना, क्या बात है? दरअसल मैं कई दिनों से ये बात कहना चाहती थी लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। चाचा जी, जैस्मिन को तुमसे प्यार हो गया है। पहले मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। बोलो ना अलादीन, मैं भी कब से तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए बेचैन थी। आप ये बात सुनकर नाराज तो नहीं होंगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं लगता। तुम बोलो ना। आप वो मैं कहना चाहता था कि क्या क्या कहना चाहते थे अलादीन? कि बोलो ना। अब आपको महल वापस लौट जाना चाहिए। क्या? हाँ शहजादी, सुल्तान को आपकी बहुत फिक्र हो रही होगी, आपको उनके पास वापस जाना चाहिए। मुझे लौटने को कह रहे हो अलादीन? ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है शहजादी। तो क्या ये जगह तुम्हारे लिए ठीक है? मेरी बात कुछ और है, मैं यहाँ एक मकसद के लिए आया हूँ। पर आप महलों में पली एक शहजादी है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि आपको वापस जाना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी महल में कोई खूबसूरत बहादुर शहजादा आपका इंतजार कर रहा होगा। आपको यहां नहीं, वहां होना चाहिए। तुम्हारे दिल में मेरे और मेरे शहजादे के लिए इतनी हमदर्दी है, इसके लिए शुक्रिया। मुझे तो लगता था कि तुम मुझे अच्छी तरह से समझते हो, मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, पर मेरे दिल में क्या है इसकी तो ना तुम्हें खबर है और ना ही कद्र। अरे तुम्हें तो बस अपने मकसद और अपने मुकाम की फिक्र। उसके अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसके आगे मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है अलादीन। तुम्हारी नजर में मेरी कोई कीमत नहीं है। शहजादी जैस्मिन, मेरी बात तो सुनिए। मैं सब जानता हूं शहजादी, मैं भी आपसे प्यार करने लगा हूं। हमारा मिलना नामुमकिन है। एक मामूली लड़का और एक शहजादी कभी ऐसा ख्वाब नहीं देख सकते। आप अपने महल लौट जाइए और मैं